हेलो, गुड मॉर्निंग। स्कूल का टाइम होने लगा है, 7:28 हो गए हैं। ऊपर घड़ी लगी है, घड़ी उल्टी दिख रही है। और ये मैंने अपनी स्कूटरी में सामान रखना है, डिक्की खोली है। देखिए, स्कूल के लिए मैंने हार्पिक, ये बच्चों का हैंड वॉश, और ये एक अगरबत्ती, इससे मच्छर उड़ जाते हैं, क्योंकि स्कूल छुट्टी होने के बाद जब खोलता है तो मच्छर बहुत होते हैं स्कूल में। तो एक माँ की तरह बच्चों की ख्याल रखना पड़ता है कि उन्हें। चलते हैं स्कूल, चलो टाइम भी होने लगा है। मैं अब स्कूल पहुंच गई एक हूँ। एक हाथ का फासला बच्चों के लिए जमीन तक होता प्रेयर है, आसमान तक नहीं होता। चलो स्टार्ट। का प्रबंध है, एक्सरसाइज करवा रही हूँ मैं। मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, ते दसो अज केड़ी डेट है? 18 अप्रैल। आ डेट मिटाई नहीं। हाँ, 18 अप्रैल। हाँ, सोमवार नु इंग्लिश की बोलते हैं? मंडे। हाँ बोलो, MONDAY। मंडे, सोमवार, सोमवार। और हिंदी च कितना लिखते हैं? सोम बार, ठीक है। अच्छा तो बच्चों, आज का विचार की है? इंसानियत सब तो वड्डा धर्म है। किस तरह साडा सब तो वड्डा धर्म हो गया इंसानियत? क्योंकि अही इंसान है, ते जो साढ़े अंदरों आवाज निकलती है। कुलविंदर, की गंदे काम कर रहा है तू, ठीक है ना? एक दूसरे की मदद करनी, लड़ना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो तुम एक दूसरे नू वो कर दे, डीग्रेड कर दे हर वेले। नहीं, तुहाडा धर्म इस वेले यही है कि आपस च मिलकर रहना, प्यार नाल रहना, एक दूसरे की मदद करनी। जो तेरे को पेंसिल नहीं है, तेरे को तुहाडे कोल है दो पेंसिल, तो एक पेंसिल देनी, रबड़ देनी, ते जरूरत वेले हर किसी लिए मदद करनी। साडा इस टाइम यही धर्म है। और मैडम का कहना मानना, सर का कहना मानना, स्कूल समय पर आना पढ़ना, माँ प्यो का कहना मानना, उन्होंने बदतमीजी ना नहीं बोलना, ये साडा धर्म है इस वेले। अगे तो अगे जब तुम बड़े होंगे जाओगे, तुम्हें पता लगता जाएगा कि बदलाव आते हैं जिंदगी, किस तरह की परिस्थितियाँ अनुकूल सू धर्म का किस तरह पालन करना पैना गा, वो साड़ी उम्र के मुताबिक साढ़े कर्तव्य बदलते जाते हैं, ठीक है। फिलहाल तुहाडा धर्म यही है कि तुसी स्कूल बैठे हो, स्कूल से जो भी शिक्षा मिल रही है उन्हें ग्रहण करना गा। अच्छा, पंजाह लई रोमन अंक केड़ा गा? इतनी जोड़ी नहीं। आओ आज आज आओ, हम खेलेंगे। इधर आओ, ये देखो, ये देख, ये देखो भाई खिडौना। बॉल कितने? बॉल देव, दूसरी बॉल, रबड़ की बॉल भी वो भी सीखी, सॉफ्ट बॉल भी सीखी। इधर आओ, वेरी गुड, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ मेरे पास, मेरी गोदी में आओ, आओ मेरी गोदी में आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरी गोदी में आएंगे, आओ आओ मेरी मेरी गोदी में आएंगे। ले टॉफी, ले
अला टॉफी अला टॉफी टॉफी आएंगे मामा के पास जाएंगे ना, मामा के पास जाएंगे हम। दूसरी टॉफी और टॉफी दी थी कहाँ गई वो? छोटे बच्चे जो न्यू एक टॉफी दी थी उनको भी देखना है संभालना है। ये टॉफियां कितने दी आई थी किरण ले? क्योंकि कितने दिखाओ छोड़ने गए छोड़ने आए उनको कम से कम दो घंटे तो बैठाना ही है बैठाना सीखना है। बच्चे जिद करते हैं उन्हें चुप कैसे कराना है। ले टॉफी खिलौने से भी नहीं चुप करती क्योंकि वो अलग टॉफी अलग टॉफी टॉफी आएंगे मामा के पास जाएंगे ना, मामा के पास जाएंगे हम। ले लो अरे और दूसरी टॉफी और टॉफी दी थी कहाँ गई वो? रेहान इन्हों एक और टॉफी दी थी ये टॉफियाँ कितने दी आई थी किरण ले कितने दिखाओ ये है ले आओ हमें दो टॉफियाँ दी थी यहाँ ले बोलो पहला प्रश्न की लिखे है गत्का खेड होंद विच क्यों आई अते एह किस किस्म दा हुनर है? हाँ गत्का पंजाबियां दा जंगी जंगी हुनर है गत्का जो है आत्म सुरक्षा कारण आत्म सुरक्षा कारण एह खेड होंद विच आई होंद विच आई मतलब कि साडे विच आई क्योंकि जदों बाहरों आक्रमणकारी आंदे सीगे पहले जमाने च उधरों पहले इन्नी बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट नहीं हुंदी सी तो आक्रमणकारी कितों भी आ जांदे सी ते रातों रात लोगों ते हमला करदे सी लुटदे सी ते ओह लोग घर घर लोग अपने सुरक्षा लई इहो जी हुनर सीखदे सीगे। ठीक है औरतां भी सीखदियां सीगियां तलवारबाजी करनी ढाल चलाना भाला चलाना। ठीक है ये सब सीखदे सीगे। चलो पढ़ो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगेगी और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे कि इंसानियत के धर्म पर आपके क्या व्यूज़ हैं। बच्चों के लिए इस तरह के विचार हमें ऊपर से लिखे आते हैं तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं आप बताइए ज़रूर। थैंक